वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो जैसे कि तुम लोग ने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा कि कोरोना वायरस डेंजरस है कि नहीं, तो ये पूरे वीडियो के बारे में मैं बस कोरोना वायरस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आते हैं इसके ओरिजिन पे। तो जैसे कि सब लोग जानते हैं कि ये जो कोरोना वायरस है ये एक्चुअली चाइना में स्टार्ट हुआ था। ये वायरस जो एनिमल टू एनिमल होता था, बट इन दिसंबर ये एनिमल टू ह्यूमन आया और अभी फिलहाल जो है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर हो रहा है। तो जैसे कि ये पहले चाइना में था, अब ये चाइना से दूसरी कंट्रीज में जा रहा है, बिकॉज पैसेंजर्स जो है ट्रैवल करते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। सो ऑलमोस्ट ये अभी हर कंट्री में है। स्टार्टिंग में इंडिया में ये केरला में सिर्फ एक केस मिला था, बट धीरे धीरे अब ये सारी सिटीज में होते जा रहा है। प्रॉब्लम ये है कि मुंबई, दिल्ली और पुणे ही सिटीज़ में जहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड है, ये वायरस जो है बहुत जल्दी फैलेगा और डेंसली पॉपुलेटेड होने की वजह से है कि इसके चांसेस जो है बड़े आते हैं। अभी के लिए तो फिलहाल मॉल, थिएटर, जहाँ पे भी पब्लिक गैदरिंग हो सकती है वो सारे इवेंट्स और जगह जो है पूरा बंद कर दिया गया है। कि अभी भी ये कंट्रोल में आ सकता है, बट अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, तो इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये वायरस हमें कैसे होता है, ये थ्रू एयर नहीं जाता है, ये जो है सरफेस पे बैठा होता है। एंड व्हेन यू कीप योर हैंड ऑन दैट एंड देन यू टच योर फेस, तभी ये आपके इंटरनल सिस्टम में जाता है। तो मेक श्योर कि आप जो है अपना हाथ जो है अवॉइड करें अपना फेस को टच करने से, बिकॉज ये वैसे ही जाता है, आपके हाथ पे लगता है एंड देन व्हेन यू टच योर फेस इट गोज इनटू योर इंटरनल सिस्टम। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइजर यूज़ करें, अवॉइड करें हैंडशेक, अवॉइड करें पब्लिक गैदरिंग, आपके हाथ जो है फ्रीक्वेंटली वॉश करें, बस अपने हाइजीन का ख्याल रखो और मे बी ये आपको नहीं होगा। दिन ब दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ऑलमोस्ट हर कंट्री में कोरोना वायरस जा चुका है। इंडिया में अभी भी केसेस कम है, बट कुछ बोल नहीं सकते, बिकॉज इंडिया में अगर बढ़ गया तो बहुत रैपिडली बढ़ेगा बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलेशन। तो प्रिकॉशन लो, पैनिक मत क्रिएट करो एंड स्पेशली रूमर्स पे तो बिल्कुल भी बिलीव मत करो। जो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, आप एक्चुअली उसके बारे में रिसर्च करो, बिकॉज व्हाट्सएप पे आधे से ज़्यादा मैसेजेस जो रहते हैं ऐसे किसने टाइप करके फॉरवर्ड कर दिए होते, वो एक से दो को जाते, दो से चार, और वापस वो पूरे सर्कल में घूमते एंड देन सब उसको बिलीव करते बिकॉज उसने कहा था, एंड उसको किसने कहा, किसी और ने। तो बिफोर बिलीविंग एनी न्यूज़ अबाउट कोरोना वायरस, मेक श्योर यू डू प्रॉपर रिसर्च ऑन इट। जितना हो सके आप भी अवॉइड करो ट्रैवलिंग, पब्लिक में जाना, स्पेशली पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना, ट्रेन, बस एंड ऑल, जहाँ पे लोगों के हाथ ज़्यादा टच होते हैं मोस्टली आपको ये चीज़ वहाँ मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल डोरबेल हो गया, बाहर आप कहीं जाते हो तो रेलिंग्स पे, ट्रेन के हैंडल पे या बस में। तो जितना हो सके आप अवॉइड करो बाहर जाना, घर में रहो अगर रह सकते हो तो, सैनिटाइजर फ्रीक्वेंटली यूज़ करो, अपने हाइजीन का ख्याल रखो बस, एंड यू विल बी सेफ आई थिंक। सो टू ऑल माई व्यूअर्स आउट देयर, आई स्पेशली केयर फॉर यू, सो प्लीज़ अपना ख्याल रखो, टेक केयर एंड बस आज के लिए इतना ही। एंड होप करता हूँ जब नेक्स्ट वीडियो में आऊँ तो कोरोना वायरस जो है जा चुका हो। लेट्स ऑल प्रे एंड टेक केयर।